विधानसभा चुनाव को लेकर मुंगेर डीआईजी मनु महाराज ने झाझा एसडीपीओ कार्यालय में की बैठक। मौके पर पुलिस तथा अर्धसैनिक बलों के पदाधिकारी रहे मौजूद। नक्सली क्षेत्र है, उसके लिए तैयारी की गई है और तैयारी है पूरी तरह से तैयारी है। एसपी साहब अपने लगे हुए हैं, पूरी तरह से घूम रहे हैं, भ्रमणशील हैं। लगातार इनके द्वारा ब्रीफिंग की गई, घूमा गया सभी क्षेत्र में, जो सुदूर एरिया के भी जो बूथ है वहाँ भी इनके द्वारा भ्रमण किया गया है। देखिए उसका आंकड़ा हम लोग नहीं देते, पर पर्याप्त मात्रा में बल है और हर जगह अर्धसैनिक बल लगाए गए। रोहतास पहुंचे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, मंच से नीतीश पर जमकर बोला हमला। जो काम करेगा कर्मचारी सम्मान मिलेगा, जो गलत काम करेगा सजा मिलेगा। सब लोगों को साथ लेके चलना है ना, तो मौका पाने साला है के ना मौका मिले के चाहिए। जहानाबाद जिले के जहानाबाद विधानसभा क्षेत्र के निर्दलीय प्रत्याशी संजय कुमार ने जहानाबाद के विधानसभा क्षेत्र के राजद प्रत्याशी कृष्ण मोहन को दिया समर्थन। मौके पर पार्टी के अन्य कार्यकर्ता रहे मौजूद। भागलपुर पहुंचे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, जनसभा को किया संबोधित, कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में वोट डालने की अपील की। 28 अक्टूबर को होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से तैयार, जिलाधिकारी ने विस्तार से दी जानकारी। ऑर्डर निकाला जा चुका है जिसमें की 6 जो हैं सुपर जोन, 18 जोन, 73 सेक्टर और 245 पीसीसी की मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए हैं। इसके अतिरिक्त गंगा नदी में भी गश्ती के लिए दंडाधिकारी और पुलिस पदाधिकारी तैनात किए गए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण में होने वाले चुनाव के मद्देनजर पूर्णिया में सारी प्रशासनिक तैयारियां पूरी, जिलाधिकारी ने मतगणना स्थल की विधि व्यवस्था का लिया जायजा। विधानसभा निर्वाचन के लिए ईवीएम का डिस्पैच किया जाएगा 6 नवंबर को और 7 नवंबर की शाम को यहाँ पर रिसीविंग किया जाएगा। 10 नवंबर को 3 विधानसभा क्षेत्र के लिए काउंटिंग यहाँ पे इस सेंटर की महिला कॉलेज है यहाँ पे, और 4 विधानसभा के लिए पूर्णिया कॉलेज में किया जाएगा। मुजफ्फरपुर जिले में चुनावी सभा संबोधित करने पहुंचे सीएम नीतीश का हुआ विरोध, लगे मुर्दाबाद के नारे, भीड़ ने फेंकी चप्पल।